नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 25 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही है। सवाल इनके ये थे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या यूपीएससी में लगने के योग हैं, उसमें सिलेक्शन होने के योग हैं, या फिर कोई प्लान भी सोचना चाहिए। इनके हाथ में जो दिखेगा मैं पूरी तरह से इनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला, और देखिए करियर नहीं बाकी जो कुछ दिखेगा सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर। ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही ज्यादा जैसे मकड़ी के जाले होते हैं इस प्रकार के जाले बन रहे हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि शुक्र का क्षेत्र इस प्रकार का बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में पारिवारिक समस्याएं आएंगी ही आएंगी। ऐसे व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, बुढ़ापे के अंदर संतान ताने देती है और किसी भी रूप में व्यक्ति को अपनी फैमिली से व्यक्ति एक संकोच में रहता है, समस्या रहती है। फैमिली प्रॉब्लम्स आपको जीवन में देखने को मिल सकती है या मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो जीवन साथी से हो, संतान से हो, माता पिता से हो, रिश्तेदारों से हो, मित्रों से हो। आपने भाई रिलेशन पूछा तो हाँ, ये इस बात का संकेत है कि आपको थोड़ी बहुत, देखिए इतनी नहीं बट हाँ, अनबन रहेगी आपको। अंगूठे पर आड़ी रेखा, आपका लॉजिक सेंस, आपकी तर्क वितर्क शक्ति, अपनी बात को लोगों के सामने रखने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इस तरह के पूर्ण योग में आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अंगूठा आपका ठीक है, बढ़िया है, और कोई दिक्कत मुझे इसमें नहीं दिखती है। मंगल पर मंगल रेखा साफ साफ दिखती है। जब इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो व्यक्ति को रियल इस्टेट से फायदा मिलता है। आपने पूछा प्लान भी, मैं कहूंगा रियल इस्टेट। रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, खेती और प्रॉपर्टी डीलिंग, ये 4 से 5 कार्य जरूर कीजिएगा। अगर पैतृक संपत्ति है तो मिलने में परेशानी नहीं आएगी आपको, आपका पूरा हक आपको मिलेगा। ये आपके हाथ का बृहस्पति का चित्र है, यहाँ पर अगर सीधी खड़ी रेखा मुझे साफ साफ दिखती है। यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने वाला रहेंगे। भगवान के प्रति धर्म, आस्था, भक्ति भाव जीवन में उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। आपकी भाग्य रेखा बुढ़ापा आकर गड़बड़ा गई है, ये इस बात को शो कर रहा है कि शायद से शायद आपको बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आएगा, बट तरीका पैसा कमाने का वो होगा जिसमें आपकी पूरी भागदौड़ हुआ करेगी। जैसा कि एक अडल्ट, एक जवान व्यक्ति भागदौड़ करता है, इतनी भागदौड़ के बाद, इतनी मेहनत के बाद आपके जीवन में बुढ़ापे के अंदर आपको पैसा आने वाला रहेगा। यहाँ पर मुझे सरकारी नौकरी या फिर बहुत बड़े कोई गवर्नमेंट जॉब के संकेत नहीं दिख रहे हैं। कोई ऐसा योग नहीं है कि आप जीवन में बड़ी सरकारी नौकरी को अर्जित कर लें। आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं देखकर बता दूंगा। एक छोटे लेवल की क्लर्क, कॉन्स्टेबल टाइप की गवर्नमेंट जॉब चल सकती है, बट उसके भी बहुत कम योग हैं। यहाँ पर बुध पर सीधी खड़ी रेखा दिखती है तो व्यापारिक समझ आपको रहेगी। व्यापार को समझना, व्यापार को जानना, बिजनेस सेंस अच्छा होना, आपके अंदर ये चीजें हैं। यहाँ पर धनुष आकार रेखा नहीं बन रही तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन टेकिंग स्किल्स में कमी रह सकती है और आप लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन सही समय पर लेने में चूक सकते हैं। इस तरह के योग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मंगल देखेंगे, ये अंदरूनी मंगल, सॉरी ये बाहरी मंगल है। बाहरी मंगल बहुत बढ़िया है तो कहीं ना कहीं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, एक इम्यून सिस्टम जो होता है मजबूत रहेगा, जीवन भर अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा इससे आपको। शत्रुओं से हानि होने के कोई योग नहीं है, गुप्त शत्रु, भीतरी शत्रु, कैसे भी शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है आपके हाथ में कि कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन चक्कर, जीवन भर अपनी गलती की वजह से तो नहीं काटने रहेंगे, और भी कई कारणों से आपको इससे लाभ मिलेगा। जैसे कि आपकी मेंटल एनर्जी अच्छी रहेगी, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने थिंकिंग के कारण अपने समाज में लोगों की वाहवाही लूटने वाले होते हैं। साफ सोच, क्लियर सोच अच्छी होती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को कभी भी सिंपल लाइफ पसंद नहीं होती। तो ओवरऑल आपके बाहरी मंगल मुझे आपके हाथ की रेखाओं में ठीक दिख रहे हैं। चंद्र पर ये यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। ऐसे व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, झूठ कम ही पसंद ऐसे व्यक्ति को आता है जीवन भर, ये चीज दिखती है। और अगर आपकी जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा बढ़िया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी के भी पूरे पूरे संकेत दिख रहे हैं, तो पैसा तो आप ठीक ठाक कमा लेंगे और ग्रोथ भी आपको जीवन में बढ़िया मिलेगी। तो समझ सकते हैं कि जो जवानी का जो समय रहेगा, जो बढ़िया समय रहेगा, वो रहेगा आप समझ सकते हैं 35 से 50 के बीच, गोल्डन टाइम 15 साल जाएगा, बड़ा पैसा जो कमाएंगे उस एज में कमा लेंगे। बाकी यहाँ पर आकर आपकी जीवन रेखा टूटनी शुरू हो चुकी है, ये बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या देती है। इसके अलावा संतान द्वारा सेवा, यात्राएं भरपूर होना और यात्राओं में बड़े बड़े लाभ मिल जाना, इस तरह के पूरे योग मुझे आपके हाथ की रेखाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो ये रेखा संतान द्वारा सेवा होने के साथ साथ थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स और सक्सेसफुल ट्रैवलिंग
कोई रेखा दिखाती है आपके हाथ में। बाकी अगर देखें तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग हटकर चली हैं। जब दोनों रेखाओं में गैप आ जाए, क्योंकि आप किसी का हाथ उठाकर देख लीजिएगा, 70% हाथों में ये रेखा इस प्रकार जुड़कर चलती है, लेकिन आपके हाथ में जो रेखाएं हैं ये अलग अलग होकर चली हैं। ये रेखा इस बात को शो कर रही है आपके हाथ में कि आप थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, थोड़ा जिद्दपना दिखा सकते हैं। जब जब आप जिद्द दिखाएंगे, जब जब आप जीवन में अपनी चलाएंगे, परिवार से अलग अलग हटकर सोचेंगे, तब तब आपको फाइनेंशियली और ओवरऑल आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा हर तरीके से। तो ये चीज दिख रही है, थोड़े जिद्दी रहेंगे, जिद करके जब भी जब जब निर्णय लेंगे आपको नुकसान उससे हो जाएगा। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में इस प्रकार का है तो आप समझ सकते हैं कि आप ओपन माइंडेड बहुत ज्यादा हैं, इससे आपको लाभ मिल सकता है। आप हर धर्म पर विश्वास नहीं करते, धर्म को अपने अनुसार मानने वाली सोच दिखती है। इसके अलावा कभी किसी पर आंख बंद करके ब्लाइंड फॉलो विश्वास नहीं करेंगे, और खुले विचारों वाले व्यक्ति आपके हाथ में मुझे यहाँ पर दिखते हैं। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इसे आप रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है लहरा कर चल रही है, जब मस्तिष्क रेखा लहरा कर चलती है इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने जो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जब भी बुद्धि का उपयोग करेंगे वो चीजें बदलेंगी, इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ के बदलेंगे। ये चीज मुझे आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिल रही है। हृदय रेखा अति खराब है, इसमें नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है, और अगर हृदय रेखा देखेंगे तो यहाँ से आपकी हृदय रेखा इस प्रकार दो भागों में नीचे की ओर आ रही है। जब ये रेखा इस प्रकार आती है तो जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे तो वो पैसा लौट कर नहीं आएगा, उसमें आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो बहुत समय बाद आएगा या फिर छोटे छोटे भागों में आएगा पैसा, तो जिससे आपको उस पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये रेखा इमोशनल हर्ट भी देती है, कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं इस रेखा की वजह से। यहाँ पर ये रेखा आपको 48 के आसपास ये रेखा आपको इन्वेस्टमेंट भी करवाएगी, तो आपके जीवन में जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। इसके अलावा यदि आपकी भाग्य की रेखा देखी जाए तो भाग्य की रेखा बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है। मैं जो देख पा रहा हूँ, जो बेस्ट करियर रहेगा वो या तो मंगल से जुड़ा, नहीं रियल एस्टेट से जुड़ा रहेगा, या फिर आप कुछ भी काम ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ अच्छे से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी मैं बनता हुआ देख पा रहा हूँ। जब मनी ट्रायंगल इस प्रकार का होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो इमरजेंसी लाइफ में पैसा हमेशा बना रहेगा, उसमें आपको लाभ बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन जो मनी ट्रायंगल है आपके हाथ में, ये दिखाता है कि संतान लायक निकलेगी या फिर आपके बराबर या आपसे ज्यादा पैसा कमाने वाले संतान के योग दिख रहे हैं। तो संतान द्वारा सेवा होना, संतान के लायक निकलने के योग बढ़िया आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। उंगलियों पर अगर आएंगे तो उंगलियां मुझे ठीक दिखती हैं। सूर्य की उंगली बड़ी तो रिस्क नेचर देती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, लाख करोड़ का रिस्क आराम से ले पाते हैं। जेब में 5-10 लाख हो तो रिस्क लेने से पहले नहीं सोचते। दूसरा, रिस्क लेना भी चाहिए, जब जब जहां जहां बड़े बड़े रिस्क लेंगे आपको उससे लाभ अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे लाभ भी देगा, जैसे कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके रिश्ते जब भी रिश्तों में जब भी आपको लगेगा कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आप पहले रिश्तों को सुधारने के लिए कदम उठाएंगे। ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर मुझे नहीं दिखती है किसी भी रूप में कैसे भी। तो ये भी एक अच्छा और बढ़िया पॉइंट आपके हाथ में देखने को मिलता है। बुध की उंगली बढ़िया है आपके अंदर, आपकी हाथ की रेखाओं में डॉक्यूमेंटेशन, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीजों से रेखा आपको लाभ देती है। आपको इससे फायदा होगा। और जब जब आप पैसे का उपयोग करेंगे, देखिए जैसी आपकी हाथ की रेखा है तो पैसे का दुरुपयोग नहीं दिखता मुझे आपके हाथ में, पैसे का सदुपयोग ही हमेशा आप जीवन में जीवन भर करेंगे। ये चीज भी आपके हाथ में देखने को मिलती है। बाकी मैंने आपके पाम गण से लगभग लग पूरा कर दिया है। आपके पाम में करियर वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्शन गलत है, क्योंकि सरकारी नौकरी से पैसा नहीं है आपके हाथ में। तो रियल इस्टेट में जाइए या फिर अपना कोई बिजनेस कीजिए, उसमें आपको लाभ अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो मुझे समस्या दिखती है किसकी दिखती है, समस्या दिखती है फैमिली प्रॉब्लम्स की दिखती है, और एक यहाँ पर हृदय रेखा अच्छी नहीं है तो ये हेल्थ इश्यूज भी दे सकती है। तो इन दोनों के आपको उपाय दे दिए जाएंगे। मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि हृदय रेखा और शुक्र के जो रेमेडीज है वो हमें दे दीजिए, सारे उपाय आपको दे दिए जाएंगे, उससे आपको लाभ बढ़िया मिल जाएगा। और कोई मुझे बड़ी परेशानी दिखती है, हाथ में पैसा है, बढ़िया है, अच्छा है, बट किस तरीके से वो पहचानना है आपको। वो जो तरीका मैं देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, खेती बाड़ी और धरती से जुड़ा कोई भी काम व्यापार चल जाएगा आपके हाथ में। बट व्यापार से भी लाभ है थोड़ा, उसको देखकर चलिएगा। सरकारी नौकरी इतना बड़ा कोई योग मैं नहीं देख पा रहा हूँ। प्लान भी होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। शादी आपकी अरेंज ही मैं देख पा रहा हूँ, लव के कोई बड़े संकेत नहीं है, थोड़े थोड़े साइन है, बट अरेंज मैरिज ज्यादा ही प्रेफर मैं करता हूँ आपके हाथ में। और कोई नेचर मैरिड नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं दिखता है। आपको कोई डाउट को कुछ पूछना रहेगा हमसे पूछ लीजिएगा, आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे, आपको ओरल सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपने आपके एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा,
जो भी डाउट जो भी क्वेरी रहेगी सब पूछ लीजिएगा, अपना रिव्यू भी दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई या नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। और जो उपाय आपको दिए जाएंगे आपको डेली डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे, चाहे 1 साल 5 साल 10 साल 20 साल कितने समय लगे, उपाय डेली डेली हमेशा के लिए कीजिएगा, तभी आपको लाभ बड़ा देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।